फ्रेंड्स, कैसे हो? अंजलि किचन में सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है कच्चे अमरूद की चटपटी चटनी बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, खाने में भी स्वादिष्ट लगती है और बनाने का भी बिल्कुल अलग तरीका बताएंगे। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे। अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले 4 छोटे साइज का अमरूद धो करके ले ली है। भुने हुए मूंगफली 1 कप, 1 बंच हरी धनिया के पत्ती चटनी में मिक्स करने के लिए अमरूद के आगे और पीछे का भाग कट कर लेंगे। आगे और पीछे का भाग कट कर ली है। चटनी बनाते समय ज़्यादा पके हुए अमरूद नहीं ले, नहीं तो उतनी स्वादिष्ट चटनी नहीं बनेगी। 1 अमरूद के 4 भाग कर लेंगे और बीज हटा देंगे ताकि चटनी में बीज जाने से उतनी स्वादिष्ट चटनी नहीं बनेगी। और एक बार कीड़े देख लें, कई सारे अमरूद होते हैं जो कि कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो अमरूद की चटनी नहीं बनाएं तो ही अच्छा है। अब सभी को बीज निकाल ली है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। सभी को छोटे टुकड़ों में कट कर ली है ताकि छोटे टुकड़ों में इसलिए कट कर दें ताकि मिक्सर पेस्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। सभी को बातों बातों में छोटे टुकड़ों में कट कर ली है, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब एक मिक्सर जार में सभी को डाल देंगे। सभी को मिक्सर जार में डाल दी है। अब भुने हुए मूंगफली डाल देंगे 1 कप, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, काली नमक 1/2 छोटी चम्मच, सादा नमक 1 चम्मच, अब स्वाद के अनुसार ही नमक डालें, 2 चम्मच नींबू का रस, 3 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में कट कर लें उसके बाद ही डालें, 3 बड़े चम्मच पानी और हरी धनिया की पत्ती डाल दें। तो यहाँ पे पानी डाल दी है हरी धनिया की पत्ती के साथ। अब कवर लगा करके पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना ली है, अमरूद की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ एक बल्ब में निकाल लेंगे। सभी को एक बल्ब में निकाल ली है। अमरूद की चटनी बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। पहली बार वीडियो देख रहे तो बेल आइकन दबा देना। वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप मेरे साथ वीडियो में इसी तरह से बने रहें, आपके लिए नए नए रेसिपी लाते रहेंगे। अमरूद की चटनी बनाते समय भुने हुए जीरा पाउडर या काली मिर्च भुने हुए पाउडर भी डाल सकते हो। चीनी का भी 1 चम्मच आप यूज कर सकते हो, बट हम अपनी चटनी में चीनी नहीं डालें क्योंकि उतना पसंद किसी को नहीं है, तो सिंपल चटनी ही बना के तैयार की है। अमरूद की चटनी खाने के बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।